लहंगा ट्राई करने आया है, तुषार ट्राई करके दिखाएगा, पर सुंदर सुंदर कपड़े सुनाए। ये देखो तुम्हारा तुषार चांदनी चौक में कैसा घूम रहा है। तो एक्साइटमेंट भी है, बहुत रोना भी आ रहा है, बहुत डर भी लग रहा है। कलर की मैं डिस्क्लोज कर देती हूँ। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये व्लॉग आप लोगों की बहुत ज़्यादा हाई डिमांड पे बन रहा है, क्योंकि वी आर रियली वेरी बिजी इन आर शॉपिंग और एवरीथिंग। तो बट स्टिल आज फिर से एक बार मैं अपनी मम्मा के साथ, तुषार के साथ और तुषार की मम्मी के साथ, मतलब मम्मी जी के साथ, हम लोग चांदनी चौक का एक और लास्ट फाइनल चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें मैं अपना ब्राइडल लहंगा पिकअप करने जा रही हूँ, फाइनल पेमेंट करने, ट्रायल करने। एंड तुषार भी अपनी फाइनल शेरवानी ट्रायल करके पिकअप करेगा। थोड़ा बहुत जो भी घर की चीज़ें हैं छोटी मोटी, वो पिकअप वो परचेज करेंगे हम। तो आई शो यू दोज थिंग्स। और मैं अभी फ़िलहाल दिखा देती हूँ, मैं डायरेक्ट जिम से आई थी और मेरी मम्मी को मेट्रो स्टेशन आते ही लग गई है भूख, तो मैं उनको कह रही है मेरे को व्लॉग में मत दिखाइयो कि मैं बर्गर खा रही हूँ। तो अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है, आपको कश्मीरी गेट पे भी और बहुत सारे मेट्रो स्टेशन पे ये जे के बर्गर जम्बो किंग दिख जाएगा, तो इसका बर्गर बहुत टेस्टी है जेन्युइनली। तो ये ज़रूर ट्राई करना आप लोग भी। मैं नहीं खा रही हूँ, आई एम ऑन डाइट, तो ये खाएंगी और इसके बाद हम चांदनी चौक मिलते हैं विद तुषार। कैसा था मम्मी बर्गर? पूछा भी नहीं एक बार भी। पूछा था पर मैंने खाया नहीं, क्योंकि मैं डाइटिंग पे हूँ। गाइस, जब तक मेट्रो आ रही है, मैंने सोचा मैं आपसे दो बातें कर लूँ। तो वो दो बातें ये हैं कि आज मैंने अपना शिफ्टिंग करने के लिए पहला बैग पैक किया, और मुझे उस टाइम पे जो फीलिंग आ रही थी वो मैंने अभी तक मम्मी से शेयर तो नहीं की, बट मेरे को बहुत ना ऐसे अंदर से बहुत बहुत ज़ोर से रोना आ रहा था, बट मैं क्या ही करती। मतलब बहुत अलग फीलिंग है अभी, एक्साइटमेंट भी है, बहुत रोना भी आ रहा है, बहुत डर भी लग रहा है। मतलब डर एक्सेज किसी चीज़ के लिए नहीं, सब बहुत अच्छे हैं, सबसे मैं पहले से मिली हूँ, तो ऑफकोर्स डरने की कोई बात नहीं है। बट होता है यार, अपने घर छोड़ने में जो डर लगता है ना, वो बस बहुत पहली बार आ रहा है। मतलब पहले भी मैं बहुत बार ऐसे काम से रिलेटेड आउट ऑफ दिल्ली गई हूँ, एक एक हफ्ते के लिए भी गई हूँ, तब नहीं फील हुआ ऐसा जो अब फील हो रहा है। क्योंकि अब मेरा जो बैग पैक हो रहा है वो फाइनल हो रहा है, वो वापस नहीं आएगा, पहले तो वापस आ जाता था। तो ये दो दिल की बातें थी जो बहुत ज़्यादा फील हो रही हैं। अगर यहाँ पे कोई ब्राइड टू बी है जिसकी शादी होने वाली है नेक्स्ट ईयर, तो अगर वो रिलेट कर पा रहे हैं मुझसे, तो ज़रूर नीचे कमेंट करना। चांदनी चौक है, चांदनी चौक मेरे को ना नफरत हो गई है चांदनी चौक से। इतने चक्कर काट लिए, मेरे को ऐसे बुखार आता है ना चांदनी चौक के नाम से। मैं बस आज ज़रा अपना लहंगा उठा लूँ यहाँ से, मैं दोबारा दो ढाई साल तक शक्ल नहीं देखने ली चांदनी चौक की। ये माँ बेटी आज कुछ काम करने नहीं आए हैं, चांदनी चौक खाने आए हैं। ये है चक्कर घूमने वाले भैया, क्योंकि मुझे भी कुछ हेल्दी खाना था, मुझे भूख लगी, मैंने सिर्फ प्रोटीन भी रखा है। मम्मी की साड़ी होगी फाइनल रेड कलर की, मैं डिस्क्लोज कर देती हूँ, नहीं मुझे चाय नहीं पीनी। और अब बारी चल रही है मेरी, जो कि मैं ले रही हूँ लाइट शेड्स, तो मैं लेने के बाद दिखा दी, क्योंकि तुषार ऑलरेडी वेट कर रहा है। मेरा खर्चा हो गया गाइस, मम्मी ने ज़्यादा खर्चा करा दिया गाइस। ये सब मुझसे नहीं हो रहा, मुझे तुषार की याद आ रही है, कल्चर है। ये गुटखा खा रही थी गाइस, मैंने देखा भी। मुझे भी नमस्ते। मम्मी कहाँ है? तुषार को सब पहचान के तुषार कह रहा है मैं चांदनी चौक आया, मेरे से 10 लोगों ने मिठाई खिला दो, मिठाई खिला दो मांग। तो आप तो डाइटिंग पे ना अपने सिंह भर के नहीं, और हम लहंगा ट्राई करने आए हैं, अभी तुषार ट्राई करके दिखाएगा, बट अभी हाफ एन आवर लहंगा रेडी हो रहा है गाइस। अब आपको व्लॉग में मजा आएगा, तो तुषार आ गया है, क्योंकि ये लहंगे की फिटिंग हो रही है, ये लहंगे की फिटिंग हो रही है। काला जूते, ये लहंगा गया पेट में, 2 इंच बढ़वाने पड़ेंगे लहंगे में अब। कैसा लग रहा है? खाते टाइम जो खाते हैं ना, क्या लहंगा है, वाव। ये देखो तुम्हारा तुषार चांदनी चौक में कैसा घूम रहा है, और मेरे हाथ में भी है एक। किसकी शादी है किसकी शादी है भाई? फिर तो मुझे भी उठाना चाहिए।
वायरल हो जाओगे आप भाई। मुझे अभी भी सलमान भाई दिखे हैं, सलमान भाई खड़े हैं बोल रहे सब भीड़ के अलग, सलमान भाई दिख गए हैं बहुत ज़्यादा। ओ भाई साहिबा, हमें बार बार याद आ जाती है हमारी शादी है, और हम बार बार आपको भी याद दिला देते हैं कि हमारी शादी है। ये देखो पूरी मेट्रो में बेइज्जती करवा रही है मेरी। दो सहेलियाँ सब पैक करना है, मैं भी पैक करना है। आ गया छुट्टी, जा रही है छुट्टी को विदाई दे रहा हूँ मैं। ओ बहुत स्टाइल धोती, श्रुति की धोती, धोती तू। बाय श्रुति गाइस, बाय श्रुति गाइस। फेक है ये। ओके बाय करो ना। हाय गाइस, तो हम वही कल वाला व्लॉग आज कंटिन्यू कर रहे हैं, और अभी मैं फ़िलहाल मम्मी के साथ हूँ, और मैं अपने कुछ सूट और ब्लाउजेज स्टिचिंग के लिए देने जा रही हूँ। और मम्मी ने मुझे बोला कि आज मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल तूने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी थी। दिखा तू? नहीं। तो मैं ये काम करने के बाद अभी मिलूँगी तुषार से, और आज हम जा रहे हैं कुछ बहुत ही शुभ काम करने। तो अगर आप इमेजिन कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो मैं डायरेक्ट आपको दिखाई दूंगी। अभी मुझे वो पिक करने आएगा, फिर मिलते हैं, टड़ा बड़ा है। मैं थोड़ा सा लेट हूँ, वैसे मैंने आधे कपड़े दे रखे हैं अपने ऑलरेडी स्टिचिंग के लिए, और कुछ मैं आप दोबारा देने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई अच्छा टेलर नहीं मिल रहा था, बहुत दिनों से मैं ढूँढ रही थी, एंड फाइनली आई फाउंड समवन। तो बस थोड़ा सा और वो बाद में आपको दिख ही जाएगा कि मैंने क्या कैसे स्टिच कराया है, बहुत सुंदर कपड़े सिलाए हैं। तो इवन आई कांट वेट टू वियर देम और आपको दिखाने के लिए। ये देखो, ये मुझे पिकअप करने आया गाइस। तुम्हारे घर तो ऑटो आना चाहिए। क्या मतलब इस बात का, इतनी चौड़ी रोड आपको कम पड़ रही है, चलाने नहीं आती हो, ये सीधा बोला करो। हेलो दीदी, हाईलाइट बहुत सुंदर लग रहे हैं आपके, यहाँ शादी की तैयारी हो गई है, और जो दुल्हन है उसी का कुछ मेकअप नहीं हुआ है अभी तक। ओके गाइस, अब हम जहाँ जा रहे हैं वो हम आपको जाकर ही दिखाएंगे कि हम क्या शुभ काम करने जा रहे हैं। आ गया बड़े मंदिर, और श्रुति रुक नहीं रही है कहीं भी, और हम बड़े मंदिर आ चुके हैं। गुरु जी को क्या देने हैं हम, कार्ड और इनविटेशन। गाइस ये मुझसे अपना फोन मांग रही है, मंदिर के बाहर खड़े हैं, हम लंगर कर चुके हैं, और ये लंगर मैं अपने घर के लिए लेके जा रहा हूँ, और ये औरत फोन पर लगी हुई है, इसकी जैसे एक औरत ये पीछे चल रही है, ये दिखा गई। ओ ये गाँव माता, ये ज्यादा सुंदर लग रही है इन दोनों से। मैं भी गाय माता ही तो लग रही हूँ, वाइट वाली। तू चौटाला। टाइम हम खड़े हैं लक्ष्मी नगर, और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हो, ये बहुत ज्यादा हाई है भाई साहब, और यहाँ पे हम उस उठा दे यार गुरु जी का लंगर प्रसाद लेके खड़े हैं। और बाय गाइस, सी यू इन अनदर व्लॉग, बाय कर दो तुषार, बाय कर दो, बाय तुषार, बाय 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 गाइस, बिजी अभी।